बिमला तूने कहाँ से किया क्वेश्चन? बड़ा ठीक क्वेश्चन किया तूने आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर देखा था मैं सुबह। पढ़ा तूने भी अकाउंट? गुड गया था। यूट्यूब यस सर। अच्छा पढ़ा अकाउंट आपने? कॉमर्स था आपका टॉपिक है तभी, ये स्कूल में था ये क्वेश्चन, यस सर। स्कूल की बुक का क्वेश्चन आपकी है ना, तभी तूने सेम टू सेम ही कर दिया ये, बिल्कुल वही से उठा हाँ के। सर, अगला क्वेश्चन भी था वो तो जो दूसरा, जो दूसरा था सर वो था पहले से किया हुआ प्लस टू में, और जो था पहला वो नहीं था। हाँ प्लस टू के हैं ये क्वेश्चन है, जी सर। तभी मैं बोल लूंगी तूने तो बिल्कुल ऐसे मतलब बना करके करा। चलो अच्छी बात है, तो आपसे भी मुझे पता नहीं था आप भी तो सीखे हुए, आपसे पूछा करेंगे वो, सोचे दो ही लोग होंगे ये। बस सबने वीडियो वाडियो ऑन रखा करो बे, वीडियो क्यों ऑफ कर देते हो, पता नहीं लगता है कौन आया कौन गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनीता, कौन सी वाली है? वीडियो वीडियो ऑन करो बे सुनीता। बिमला खबरदार वीडियो ऑफ करा किसी ने। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग फिर भाई किया क्वेश्चन, टोटल ही नहीं आ रहा था पहले क्वेश्चन का, किस किस का नहीं हुआ ठीक से। भीमा सर टूट गया। और बिमला ने तो कर दिया था बिल्कुल, आपको पता भीमा बिमला भी एक कॉमर्स की स्टूडेंट रही है, मुझे आज लगा था बिमला ने तो बिल्कुल ऐसे किया था। प्लस टू का क्वेश्चन है बोल रही है, प्लस टू की बुक में आई है क्वेश्चन। बस कितने लोग आए? 6 लोग ही आए आज, करतार सिंह जी चले गए, कनेक्टिविटी इशू। मैं उस क्वेश्चन को ही कर रहा था प्रिपेयर जो दिया था, ताकि आप देख लो कहाँ गलती हुई है, मुझे सब सबकी गलती है तो मैं नहीं ढूंढ ही पाऊंगा, अगर वैसे देखते तो हम कर भी लेते, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत हो जाती है कॉपीज को चेक करने में, हैंड राइटिंग को भी वो पढ़ने में ना थोड़ी होती है, उसको बना नहीं होता उस तरीके से, तो इसलिए मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर ये बन जाता है तो आप देख लेना और आपको अपनी फिर वो गलती पता चल जाएगी। एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिए प्रिपेयर, इसको देख लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके बाद। जनता ही बड़ी कम आई आज, जनता बड़ी कम आ रही, क्या हो गया सारी जनता? कल 2 क्वेश्चन दिए थे कल के असाइनमेंट में, हाँ जी 2 ही क्वेश्चन थे। पहले वाला क्वेश्चन का टोटल था 3,32,400, दूसरे वाली का क्या टोटल था? दूसरी वाली का टोटल भी क्या था? दूसरी वाली का टोटल था मेरे ख्याल में 12,08,000, यह दूसरे वाले का टोटल। सिग्नल सुग्नल ठीक है भाई, प्रतिभा ठाकुर भी गायब हो गई, रंजना भी गायब हो गई, सुनीता रताते वीडियो बंद कर दिया, वीडियो ऑन करो सारे, वीडियो क्यों बंद कर देते हो भाई? प्रतिभा नाक मंगली डालनी है, वीडियो बंद कर दिया, कुछ नहीं होता वो आ चला गया ऑटोमेटिकली नाक के पास मुझे तो नहीं रहती है ऐसी बात। सुनीता सुनीता जी आप भी करो वीडियो ऑन, सेब वाली सुनीता। करतार सिंह जी आपके नहीं है सिग्नल, आज या ऑन वीडियो आपने हाँ वीडियो। सर, थोड़ा है नहीं, मैं थोड़ा कहीं आने वाला हूँ, मैं घर की तरफ ना थोड़ी देर में। सुनीता आपकी क्या दिक्कत है? खुद किया वीडियो आपने? हेलो हेलो सुनीता, आवाज भी जा रही है इसको। चलो शुरू करते, तो हम इस एक्सरसाइज को ही देखते हैं, इसके एक्सरसाइज को सोल्यूशन देखते हैं। जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी क्या थी ये, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश वगैरह वगैरह, ये रंजना आपने भी किया था अटेम्प्ट? रंजना का पता नहीं मुझे दिखा नहीं, रंजना का एक तो फाइल ही बड़ी मोटी बनाई थी, 3 MB की फाइल बनाई थी, वो खुल नहीं रही थी, सर वो थी पिछले कल। पिछले वाले थे वो, ये वाला नहीं किया अटेम्प्ट ही? रंजना के भी सिग्नल नहीं है, चुप हो गए रंजना, है सिग्नल बच्चा रंजना, आ रही है आवाज? हेलो हेलो, बाकी को तो आ रही है, रंजना हो गई चुप, मेरा सिग्नल तो नहीं दिखा, आ रही है ना बाकी को, रंजना के लिए होगा सिग्नल। चलो देखते हैं, तो इसको दिख रहा आपको, बर्ड बर्ड का डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था, इसमें मैंने ये करे हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो थी हमारी, आप देख लेना अपनी कॉपी से मैच कर लेना, अगर कोई स्टेटमेंट आपकी गलत गलत हुई है तो आप देख लेना अपनी कॉपी में एक एक स्टेटमेंट को। तो हमें जो आया भीमा प्रतिभा पहाड़न स्वैग प्रमिला रंजना विमला के रिस्पॉन्स आए थे, रेखा शबनम, शबनम कब नहीं आया था? शबनम कल आए थे आप क्लास में बेटा? नहीं आए थे? नो सर यस सर, अच्छा सर। नहीं नहीं आए थे आप, तो बेटा एक्सरसाइज जब भेजते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में डाली होती है तो मैं इसे देख लिए, बाकी लोग इसलिए नहीं आए मुझे लग रहा है, उन्होंने एक्सरसाइज करी नहीं और उन्हें पता कि आज आंसर मिल जाना था। चलो देखते हैं जो आए हैं वो तो देख लो, तो बिमला का तो बिल्कुल ठीक था, तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन थी वो थी बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें हमारा कैश आया और हमारा क्रेडिट हुआ कैपिटल, और कैश हुआ डेबिट, क्योंकि कैश जो वो हमारा एसेट है, ऑब्वियसली तो जो एसेट है उसको हम
क्या करते हैं वो इंक्रीज होता है तो उसको हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भाई गुड्स परचेज की हमने मनीषा से, तो परचेज अकाउंट जो वो एसेट के अंदर आता है और एसेट इंक्रीज हुआ तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे, मनीषा से खरीदा तो मनीषा के अकाउंट जो वो क्रेडिट में आएगा। दूसरे के तो मैंने बोला कि एक अकाउंट का पता चल जाए तो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने स्टेशनरी खरीदी कैश से, स्टेशनरी आई हमारी और कैश गया, तो कैश का पता हमें, कैश जो एसेट है, एसेट डिक्रीज होता तो क्रेडिट आता है, तो एसेट क्रेडिट होगा तो स्टेशनरी ऑटोमेटिकली डेबिट हो। नेक्स्ट था ओपन बैंक अकाउंट, तो इसमें दोनों एसेट है, एक एसेट कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है, कैश बैंक वाला बढ़ रहा है तो डेबिट होगा और कैश वाला कम हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका गुड सोल्ड टू प्रिया, प्रिया को हमने कुछ सामान बेचा। जो सेल होती है, सेल जो होती है वो हमारा एसेट होता है, कोई भी सामान जब हम बेचते हैं तो सामान हमारा कम हो रहा है, यानी कि एसेट हमारा कम हो रहा है, तो जो एसेट कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि प्रिया को बेचा और उसने हमें पैसे देने हैं लेकिन प्रिया ने अभी पैसे दिए नहीं है, तो वो एक तरह से हमारा देनदार ही है, तो वो हमारा कभी भी देगी पैसे तो वो हमारा एसेट को बढ़ाएगी, तो वो हमारे डेबिट में आएगा। इसके बाद हमारा प्रिय के बाद रिसीव चेक, अब प्रिय ने पैसे दे दिए, तो जब प्रिय ने पैसे दे दिए तो हमारा ऑब्वियसली एसेट अकाउंट इंक्रीज हुआ, चेक दिए तो बैंक में डाला हमने चेक, तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होगा और प्रिय का क्रेडिट हो जाएगा, तो प्रिय का कैंसिल हो गया। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखें तो ये कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, तो यहाँ से ये जो प्रिय को डेबिट किया था और यहाँ पर प्रिय को क्रेडिट कर दिया, तो हमारी जो स्टेटमेंट बची वो ये बची, बैंक अगर हमने इसने उसी टाइम पैसे दिए होते तो बैंक यहाँ लिखा होना था ये वाला, तो नीचे सेल ही लिखा होना था। तो ये अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई हमसे उधार लेता या देता है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि जिसने उधार लिया उसको हम अपना एसेट मानते हैं, क्योंकि उसने हमें प्रॉमिस किया कि कभी ना कभी वो वापस करे, और जब वो वापस करता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट था निधि पेज, निधि ने पे किए हमें कैश, तो निधि का जो उसको कैश दिया, उसको जो हमने क्या किया, निधि पे कैश, निधि ने कैश क्यों दिया, उसने कुछ हमने सेल की होगी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी टेढ़ी थी, इसमें ढंग से एलैबोरेट नहीं किया गया था कि क्यों दिए उसने हमें 14,000, तो इसमें सिंपल ऐसे लिखा था निधि पेज 1400 कैश, है ना, ऐसे ही ना स्टेटमेंट, इसमें सेल्स हो तो लिखा नहीं कुछ, तो यही पर हुई होनी गड़बड़ आपसे प्रतिभा, ना ये तो सर ऐसे किया मैंने, ऐसे किया सेल को ही किया आपने, यस सर, मतलब गुड्स और मतलब निधि का बनाया सर एक अकाउंट ना और गुड्स वाला एक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, भीमा कहाँ गई, भीमा जी आओ आओ, भीमा जी, बिमला या भीमा समझाओ स्टेटमेंट को, यहाँ पे लिखा सिंपल लिखा कि निधि पेज 1400 कैश, निधि को क्या लगी हुई है उसको कैश देने की, उसने कैश दिया मैं, और जब उसने कैश दिया तो यहाँ पर अपने निधि का नाम कैश अकाउंट क्यों नहीं है इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसमें तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होना था, क्योंकि उसने कैश दिया तो इसमें कैश अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व होना था, कैश अकाउंट नहीं हुआ इन्वॉल्व, सबसे पहली बात तो ये बताओ। बिमला कहाँ गई, बिमला बता, बिमला कौन सी एंट्री सर, ये है एंट्री निधि पेज 14,000 कैश, तो हमने निधि निधि के अकाउंट को डेबिट कर दिया और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जब किसने लिखा पेज निधि को दिए, निधि को दिए सर, निधि को क्यों दिए, यहाँ लिखा निधि पेज, निधि ने दिए, स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है निधि पेज 14,000 कैश, कैश दिया वो भी निधि ने कैश दिया, यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा कि हमने सेल करी है ना, निचली साइड में, निचली साइड में क्या परचेज गुड्स 40,000, ये तो और है, ये अलग है, निधि का नाम ही नहीं है इसमें, नो सर ये जो कैश निधि, ये जो है मतलब पे किया उसने, तो कैश का अकाउंट बना सर, एक कैश का बने, एक निधि का बने, ये अलग स्टेटमेंट, ये अलग है सर, ये उसने मतलब बेचे, मतलब एक स्टेटमेंट से दो दो ट्रांजेक्शन ड्राइव कर ली इसने ऑटोमेटिकली, जबकि हम जैसे जो मूर्ख लोग है जो पहली बार अकाउंट बढ़ रहे वो कैसे इसको डिकोड कर पाएंगे सर, अलग अलग तो दिए, अलग का दिया जो क्वेश्चन सर, एक में लिखा कि सोल्ड, अच्छा, सोल्ड गुड्स टू, ये मैं सर एक में लिखा, ठीक है मेरी गलती है, मैं नहीं पढ़ रहा था, यस ये ऊपर वाला नहीं पढ़ी,
ठीक है यहाँ ये ठीक है। तो एक्चुअली ये मैंने साइड में खोला हुआ था तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एक साइड मेरा बर्ड ओपन किया हुआ है ना, तो इस वजह से हुई। चलो खोल लिया मैं दोबारा से। हाँ ये दो स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट सोल्ड गुड्स टू दीदी चोरा जा रही है, ठीक हो गया। फिर नीचे उसने कैश पेमेंट कर दिया, ये भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स तो हमारा परचेज अकाउंट जो एसेट है, यानी कि जब हम सामान खरीदते हैं तो एसेट इंक्रीज होता तो डेबिट होगा, रितु से लिए तो रितु को हमने पैसे देने तो क्रेडिट होगा। उसके बाद है इंश्योरेंस पेड बाय चेक। अब यह इंश्योरेंस का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि हमने चेक से दिया और चेक होता है बैंक से, तो हम एक साइड तो बैंक अकाउंट जो है वो आएगा, और बैंक क्या होता है, बैंक एसेट होता है, और एसेट क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो एक साइड हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंश्योरेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने रेंट दिया, तो रेंट में भी यही है, इसमें भी एक एसेट अकाउंट इन्वॉल्व है, एसेट अकाउंट कैश का, तो कैश जब डिक्रीज हुआ तो ये क्रेडिट होगा और रेंट दिया हमने तो ये डेबिट होगा। नेक्स्ट क्या है, गुड्स सोल्ड गिवन एज चैरिटी, तो यहाँ भी हमारा जो गुड्स होते हैं गुड्स एसेट में आते हैं, जो भी हमारा सामान होता है वो एसेट होता है, तो एसेट हमारा डिक्रीज हुआ, तो एसेट जब डिक्रीज होता तो क्रेडिट साइड आएगा। अब चैरिटी में गया कहाँ गया हमें कोई मतलब नहीं है, वो आपका डेबिट साइड आए। इसके बाद आता है कि हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा 11,000 का, तो फर्नीचर भी एसेट है हमारा, और 11,000 का जो खरीदा वो भी हमारा एसेट है, लेकिन एक एसेट बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तो एसेट फर्नीचर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एसेट कैश कम हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है हमने अपने काम के लिए पैसे निकाले, तो इसमें भी हमारा एक अकाउंट जो है जो निकाले कैश से, कैश जो वो हमारा एसेट है, तो एक एसेट क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है, तो वो हमारा क्रेडिट में आएगा, और ड्रॉइंग एसेट बढ़ रहा है तो वो हमारा डेबिट में आएगा। आगे है कि हमने क्या करा, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो इसमें भी एक अकाउंट जो वो एसेट का है कैश अकाउंट जो कि इंक्रीज हुआ, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है कैश सेल करी हमने, तो इसमें हम दोनों एसेट है, सेल में जो जो सामान है वो बेचा हमने, कैश जो वो हमारा इंक्रीज हुआ, यानी कि हमारा जो एसेट अकाउंट है वो बड़ा, तो वो हम डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट कमीशन मिला, तो इसमें भी चेक द्वारा कमीशन मिला 3,000 का, तो चेक द्वारा मिला तो इसका मतलब हमारा जो बैंक है, बैंक जो कि एसेट है वो इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, और कमीशन जो पेड, अच्छा पेड किया तो कम हुआ तो ये क्रेडिट होगा, और कमीशन जो है वो डेबिट होगा। टेलीफोन बिल ये भी चेक, तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन है इसमें एक ही साइड देखनी थी आपने, चेक दिया हमने कैश दिया, चेक दिया कैश दिया, चेक आया कैश आया, तो इसमें सारी जगह एक साइड एसेट है, तो हमें अगर एक भी रूल याद होगा एसेट का कि एसेट हो हमारा तो एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, और एसेट डिक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं, अगर ये रूल भी हमें याद हो तो ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाना था हमें, और बाकी का रूल इसमें है ही नहीं, ये फर्स्ट रूल के ऊपर ही सारा क्वेश्चन था, तो एक ही रूल से ये सारा क्वेश्चन हो जाना था। जैसे हमने सैलरी वगैरह दी तो सैलरी कैश से दी, कैश हमारा कम हुआ तो वो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा और दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। तो ये था, तो प्रतिभा आपकी सारी स्टेटमेंट अगर ऐसी है तो फिर आपका टोटल टोटल में गलती हुई होगी, कई कैलकुलेशन में होगी सर। पर कई अर्थमेटिक मिस्टेक हुई होगी, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हुई होगी, तो ये ठीक इसमें मतलब यही है इनको करने का। हाँ जैसे हम जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं अकाउंट को, तो पहली बार अकाउंट जो कर रहे हैं तो हमें ज्यादा कुछ चीजों को याद रखेंगे तो हम ज्यादा पजल हो जाएंगे, तो अगर एक फार्मूला याद रखो, मतलब ट्रांजेक्शन के बताया था कि दो पार्ट होते हैं, दो अकाउंट जो होते हैं वो हमेशा इफेक्ट होते हैं, तो हमें दोनों को डिकोड करने की जरूरत नहीं है, कि हमें दोनों का ही पता होना चाहिए कि क्या है। अगर हमें एक भी पता होता है कि एसेट साइड भी पता है कि एक साइड एसेट है दूसरे का बनने दो, फिर उसी साइड को देखो कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और दूसरा अकाउंट फिर दूसरी साइड आएगा, अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट आता है, तो दूसरे अकाउंट की हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने यही ढूंढना है कि हमारा ये डेबिट है कि क्रेडिट है। अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि आपने लिखा होगा कॉपी में, क्वेश्चन को मैं शेयर कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारा ये था, इस क्वेश्चन में भी कोई खास यदि ये कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल में, तो इसमें भी हमारा बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक में डाले तो इसमें भी एसेट है, मशीनरी खरीदी
और इसमें 2,30,000 की पेइंग दिखेगा कैश इमीजिएटली। तो इसमें क्या कि इसमें दो ट्रांजेक्शन, एक तो हमने 30,000 में हमने कैश में दिए और बाकी 2 लाख जो होगा वो क्रेडिट में उसमें चला जाएगा, क्रेडिट में जो हमने बाद में देना है। इसके बाद हमने गुड्स परचेज किए 40,000 के, पेड किए हमने, तो इसमें एक अकाउंट देखो पैसों का ही है, एसेट का ही है, जो एसेट कम ज्यादा हो रहा है। इसमें है किसी किसी इसमें दिक्कत है कोई स्टेटमेंट में? हो गई है कोई स्टेटमेंट जो नहीं आपको लगा हो पता तो उसको बता देता हूँ। कर लिया था ये क्वेश्चन मैंने, ये देखकर ही भाई कर लिया था तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ था तो मैं बता देता हूँ जो स्टेटमेंट आपको नहीं समझ आई हो। तो अगर दूसरी स्टेटमेंट देखो जो मशीनरी वाली है, तो उसमें हमने एक क्रेडिट में डालना था और 30,000 कैश से डेबिट करना था। तो इस क्वेश्चन में दो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, दो स्टेटमेंट ऐसी जिसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक अकाउंट से नहीं चलेगा वो, दो अकाउंट जो वो डेबिट या क्रेडिट करने पड़े, कुछ इस तरीके से होना था इस क्वेश्चन में। किया था अटेम्प्ट हमें रजना, ओ रजना, रजना के सिग्नल दिया, सुन ही नहीं रही, ये जानबूझ के सुन रही। नहीं किया मैंने सर, सुबह ही देखी पीडीएफ ना, मेरे पास रिचार्ज खत्म हो गया है अच्छा, सर, अभी लॉस हो गई है। जे बात है तभी मैं देखूं, वो सीन मैसेज में नहीं आया तेरा ना, वो था ना सीन मैसेज में वो सर नहीं सुबह आ देखा रहा। नहीं है सर, अच्छा सुबह कराया रिचार्ज है, हाथ सर पैर हॉटस्पॉट लिया है भाई से, रिचार्ज में नहीं कराया, मतलब इतनी भी क्या वो आ नहीं गई कराया है, सर, अभी करवाएंगे सर, अभी है हॉटस्पॉट से काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा। बड़े कंजूस हो तुम लोग यार, कंजूस कंजूस बोल सकते हैं तुम्हें कि बड़े वो हो, तुम मनी माइंडेड हो, पैसों की बचत करने वाले हो ना, ऊपर से अब अकाउंट पढ़ लेना तो और भी तो ऐसे। बचत है सर ये जब है तो मतलब हाँ ठीक है अच्छी बात है, अब तो तू डाटा की भी एक वो अकाउंट बुक लगा दे, कितना जीबी किसने खाया कितना किसने, डेबिट क्रेडिट। तो ये जो दो स्टेटमेंट थी इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, दो स्टेटमेंट जो थी कि एक तो स्टेटमेंट थी आपकी ये कि हमने प्लांट और मशीनरी जो वो करी परचेज 2,30,000 की, उसमें से 30,000 हमने दे दिए, और दूसरी थी कि हमने परचेज किया गुड्स 40,000 का और कैश और 45,000 ऑन अकाउंट कर दिया। अब ये ऑन अकाउंट क्या बीमारी होती है, फिर उसके बाद हमने कुछ पेमेंट करी है, लेकिन ये दो स्टेटमेंट ऐसी हैं जिसमें क्या हुआ कि हम दो दो अकाउंट को अफेक्ट करती हैं। अब जैसे ये है एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी जो होती है वो एसेट होती है, जब भी हम कोई मशीन खरीदते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट में कुछ वो आती है तो हम उसको एसेट मानते हैं, तो एक एसेट इंक्रीज हुआ तो ये तो आएगा डेबिट साइड, यहाँ पर बात खत्म हो। दूसरा क्या हुआ कि इसने बोला कि हमने कुछ कैश दे दिया, 30,000 कैश दे दिया और बाकी का पैसा नहीं, कैश अकाउंट जो वो डिक्रीज हुआ तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, उसके बाद बाकी का अकाउंट पैसा जो था 2 लाख वो हमने नहीं दिया, तो हमने एक क्रेडिटर अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में 2 लाख डाल दिए कि ये हमने देना है, ये हमारी देनदारी हो गई है, तो ये भी हम क्रेडिटर में डालेंगे। हमारे पास जो आई जो चीज आई वो 2,30,000 की मशीनें आ गई, उसके बदले में हमने क्या दिया है, उसके बदले में हमने 30,000 कैश दिया और 2 लाख का हमने प्रोमिस दिया कि हम तेरे को बाद में वापस कर देंगे, जो कि आगे की स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि हम उसको 2 लाख जो वो बाद में दे देंगे चेक द्वारा, आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, तो बाद में हमने दे दिया। इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसे मतलब ये दिखाने का पर्पज ये है कि एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी होते हैं, मतलब दो ही अकाउंट नहीं होते हैं कि भाई दो अकाउंट होंगे, एक क्रेडिट होगा एक डेबिट होगा, यहाँ जैसे इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं एक साइड एक अकाउंट और दूसरी साइड दो अकाउंट है, सिर्फ ये होता है कि दो साइड होती है अकाउंट की, एक साइड में डेबिट अकाउंट होते हैं एक साइड में क्रेडिट अकाउंट होते हैं, तो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट थी कि हमने क्या किया, हमने सामान खरीदा बाउट गुड्स फॉर कैश एज वेल ऑन क्रेडिट, हमने कैश में भी खरीदा और क्रेडिट पे भी हमने कुछ गुड्स जो वो खरीदे हैं, तो इसमें क्या करा हमने, जब भी गुड्स खरीदे तो हमारे पास कुछ सामान आया, जब भी कुछ सामान आया तो वो क्या आ जाएगा हमारे इसको इंक्रीज करेगा, वैल्यू को बढ़ाएगा, एसेट हुआ तो हम उसको डेबिट करेंगे, बस कहानी खत्म। तो दूसरा ये स्टेटमेंट एक्चुअली उसमें क्वेश्चन में गलत लिखी है, क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स वर्थ 40,000 फॉर कैश एंड 45 ऑन अकाउंट, तो एक्चुअली इस ये क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना कि हमने गुड्स परचेज करे 85,000 के, जिसमें से 40,000 हमने कैश दे दिया और 45,000 हमने देना है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है जो आपको भेजा हुआ है, इसमें सिर्फ यही लिखा है कि परचेज गुड्स ऑफ 40,000 है क्वेश्चन आपके सामने, परचेज गुड्स ऑफ 40,000 फॉर कैश एंड 45 ऑन अकाउंट,
तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नहीं होगा, क्वेश्चन होगा कि हमने 80,000 85,000 का सामान खरीदा है, उस 85,000 में से हमने क्या करे हैं, 40,000 उसको कैश दे दिया और 45,000 हमारा देने को है। जब भी हमने कुछ खरीदा तो वो तो हमने पूरा खरीदा, वो आधा नहीं खरीदा तो वो तो पूरा हम डेबिट करेंगे। अब लेकिन पैसे हमने तोड़ के दिए, आधा हमने कैश दे दिया और आधा बोला कि हम बाद में दे देंगे। एक साइड से कैश अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कम हुआ, और दूसरा हमें उसे प्रोमिस करना पड़ा कि 45,000 तुझे बाद में देंगे, तो वो हमें उधार खाते में लिखने पड़े, वो भी क्रेडिट में हुआ। तो आगे की स्टेटमेंट है जिसमें हमने 45,000 इसको पेमेंट करी है, तो तब जाके हम इसको डेबिट कर देंगे और उसको क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन का जो पर्पज था वो ये था कि कई जो अकाउंट होते हैं, कई जगह किसी स्टेटमेंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी इफेक्ट करती है, जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट जो है वो इफेक्ट से ज्यादा भी हो सकता है। तो आगे भी हम इसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये तो चलो एक वार्म अप सा था, आगे और भी एक्सरसाइज आएंगी तो देखेंगे हम आगे। आज देखा, आज करेंगे तो मैं आज भी दे दूंगा आपको एक दो एक्सरसाइज इसके बाद, लेकिन आज हमारे पास थोड़ा और थ्योरी है, उस थ्योरी को निपटा लेते हैं। वैसे ये क्लास भी अब खत्म ही होने वाली है, इसमें हम करतार सिंह जी बने हुए हैं लाइन के ऊपर। प्रमिला भाई वीडियो ऑन करो, प्रमिला जब भी मैं किसी को वीडियो ऑन करने को बोलता हूँ ना, वो भाग ही जाता है भाई, ऐसा क्यों भाई। आगे प्रमिला, उर्मिला के बाल खड़े हैं इसलिए नहीं करती थी। सुनीता आजकल कहाँ पर है आप बेटा, किसके अपने घर में हो? टेडी बेयर वाली सुनीता अपने घर में कमरा बदल दिया अब, ठंड हवा वाले कमरे में आ गया ना, गर्मी है, गर्मी है हो लग पड़ी अब आपको भी। नहीं सर मैं उसी से बोलूँ। इंदु कल आए थे आप क्लास में? हाँ जी सर। पीछे बैठे हुए थे, सबसे पीछे बैठे हुए थे। हाँ जी सर। तो कल हम ये मोड ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ रहे थे, मोड ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि अकाउंटिंग को कैसे हम करते हैं, इसमें कुछ वाउचर वो बताया था कि हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमारे ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करती है। फिर हमने जनरल लेजर के बारे में पढ़ा था, जर्नल के होते हैं, लेजर के होते हैं, अकाउंट के होते हैं। अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एनी पर्टिकुलर एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस और इनकम, लेजर के होते हैं। और एक होता है चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट। तो जो भी एक कंपनी होती है, कंपनी में बड़े सारे ऐसे अकाउंट बने होते हैं, तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो होता है, जो उसमें लगा होता है चार्ट की हम हमारी जो कंपनी है उसमें कितने अकाउंट है और कौन से अकाउंट किस हेड के अंडर है, एसेट के अकाउंट कौन से हैं, लायबिलिटी के अकाउंट कौन से, एक्सपेंस के कौन से, इनकम के कौन से। तो इस तरीके से का हर एक जो बड़ी सी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उनका जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट लगा होता है, और वहां के जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको वो चार्ट ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए, तो जब भी वो ट्रांजेक्शन वगैरह करें तो उस हिसाब से अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, जब उन्हें पता हो कि कौन सा अकाउंट जो है वो कहाँ पर है। तो जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें पहले से बने होते हैं जो भी ये लेजर होते हैं, ये जो अकाउंट होते हैं ये पहले से ही क्रिएटेड होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट कहाँ पर है और क्या उसका ये है। चार्ट अकाउंट जो होता है वो आपकी हेल्प करता है, उसमें आपको सारे अकाउंटों का पता चल जाता है, कौन सा अकाउंट किसके अंडर है उसका भी आपको पता चल जाता है। तो जब आपने कोई एंट्री वगैरह करनी होती है तो उस अकाउंट से आप देख लेते हो, आप खुद से कोई अकाउंट नहीं बनाओगे, तो जो पहले से बने होते हैं उन्हीं में उन एंट्री को हम लेते हैं। तो जैसे कौन से अकाउंट को डेबिट करना, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो वो अकाउंट एग्जिस्ट होते हैं। तो कई बार कई लोग नए बना देते हैं, तो ऐसा हम प्रैक्टिकल में देखा, बच्चे तो हम बना ही देते हैं, लेकिन जब हम किसी फर्म को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर इतनी हमें फ्रीडम नहीं होती कि अपनी मर्जी से अकाउंट बनाते फिरे, तो वहां पर उन्होंने बनाए होते हैं अपनी कंपनी के अकाउंट पहले से ही सोच समझ के, तो हम उन्हीं अकाउंट्स को यूज करते हैं और हमें वो पता होने चाहिए। तो इसलिए कंपनीज वगैरह उनका बढ़िया सर ग्राफ वगैरह बना करके वहां चिपकाया होता है, छोटी मोटी कंपनी में तो नहीं होता, और जहां पर एक ही बंदा हैंडल कर रहा होता है तो उसे तो खुद को याद होता है, क्योंकि जहां बड़ी कंपनी होती है वहां लोग आते जाते रहते हैं, नई रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, तो वहां पर ऐसे चार्ट ऑफ अकाउंट होता ही है और ये होना ही चाहिए। पोस्टिंग, पोस्टिंग कल भी हमने डिस्कस करी थी, क्या होती है पोस्टिंग, पूछूं क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करूं, रहने दो, क्यों करना वेस्ट टाइम। पोस्टिंग क्या होती है कि जब हम जर्नल से एंट्रियों को हम ले जाते हैं लेजर में और जहां पर उनकी ग्रुपिंग होती है तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है कि जो भी हम अकाउंट का हिसाब किताब करते हैं वो हम एक पीरियड के लिए करते हैं, उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं और अगले पीरियड में दोबारा से शुरू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड की जो एक्टिविटी होती है उसका हमें पता चल जाता है
कि भाई इस पीरियड के दौरान हमें क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना हमारा एसेट बढ़े, कितनी हमारी लायबिलिटी बढ़ी। तो अकाउंटिंग जो होती है वो ऐसा नहीं है कि एक बार जो आप लिखना शुरू करोगे तो लिखते रहोगे। तो हमें अगर हमें उसकी समरी निकालनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो 3 महीने हैं इसमें हमारा बिजनेस कैसा रहा, अगले 3 महीनों में हमारा बिजनेस कैसा रहा। तो हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब हमने अपना अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग करके बनाए। अगर हमने इकट्ठे लिखते जा रहे हैं तो हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ज्यादातर एयर होता है कि क्वार्टर भी होता है, और बड़ी कंपनी होती है वो हर 3 महीने बाद अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको दिखाती है। तो हर 3 महीने बाद जितने भी अकाउंट होते हैं उनको वो टोटल करके उसकी समरी निकाल के पब्लिश करती है, ताकि पता चले कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। और वैसे तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, अकाउंटिंग ईयर जो होता है, वो साल ईयर बाय ईयर होता है। जैसे सरकार का होता है तो हर साल का होता है, जैसे हम इनकम टैक्स देते हो तो साल का देते हो, तो उसमें बताते कि इस पूरे साल में हमारी कितनी इनकम थी, वो कितनी टैक्सेबल इनकम है, कितनी ये है। तो हम हर साल का अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसको खत्म कर देते हैं, फिर अगले साल से नए सिरे से शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड ऐसी कंपनियां भी ऐसे करती है कि एक साल का या 3 महीने का इकट्ठा हिसाब किताब करती है, फिर दोबारा से स्टार्ट करती है। तो इसका ये फायदा होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं, कि एक कंपनी कंपेयर कर सकती है कि पिछले साल हमारा प्रॉफिट इतना था, इस साल हमारा इतना है। और अगर हम कंटिन्यू लिखते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को। हमें अपनी परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी कि कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, कब फायदा हो रहा है, कब नुकसान हो रहा है। तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, और साल का भी होता है। साल का तो होता ही होता है, लेकिन कंपनियां 3 मंथ का भी बनाती रहती है जो बड़ी कंपनी। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपके डेबिट बैलेंस होते हैं और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जो भी हमारे लेजर अकाउंट होते हैं, जो लेजर होते हैं जिसका कल बताया था मैंने कि हर एक अकाउंट उसका जो होगा एक अलग से लेजर बना होता है। जैसे कैश का लेजर अलग होगा, बैंक का अलग होगा, क्रेडिटर का अलग होगा, डेबिटर का अलग होगा। तो इस तरीके से जो भी लेजर बने होते हैं उनका जो टोटल होता है, उस सारे टोटल्स को हम उठा करके क्या लाते हैं, उसको हम एक ट्रायल बैलेंस करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट में जो हमारे डेबिट साइड वाले लेजर होते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं, जो क्रेडिट साइड होती है उस लेजर की उसको हम क्रेडिट साइड जो वो उस साइड लिखते हैं। तो जैसे डबल एंट्री का रूल होता है वैसे होता है कि जो भी डेबिट होता है वो उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो डेबिट का टोटल अलग करते हैं और क्रेडिट का टोटल हम अलग करते हैं। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें एक अकाउंट का नाम होता है, फिर उस अकाउंट का जो समरी होती है उस अकाउंट का डेबिट का बैलेंस एक साइड लिखते हैं, क्रेडिट का बैलेंस एक साइड लिखते हैं। फिर हम अगला अकाउंट उठाते हैं, उसका डेबिट की साइड लिखेंगे, उसके क्रेडिट की साइड लिखेंगे, और एंड में उसका हम टोटल कर देते हैं। तो ये लेजर जर्नल वगैरह तो हमने कल पढ़े थे, जर्नलिंग भी पढ़ा था कि इसमें कैसे हम ये करते हैं, जर्नल एंट्री वगैरह कैसे करते, लेजर पोस्टिंग पढ़ा था। तो ये जो हम बात कर रहे थे ये ट्रायल बैलेंस वगैरह की, तो इनको इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो आता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, जो जैसे हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की होती है रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें जो रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिस रिपोर्ट को जो मैनेजर लोग होते हैं या और लोग जो अकाउंट में काम करते हैं वो उस रिपोर्ट को देख करके अपना डिसीजन लेते हैं। चलो एक मिनट बचा, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ट्रायल बैलेंस के ऊपर थोड़ी सी बात और करेंगे बाद में। तो थोड़ा ब्रेक ले लो, 5 मिनट बाद मिलते। ट्रायल बैलेंस, सिंपल ट्रायल बैलेंस का पर्पज यही होता है कि वो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे लेजर होते हैं जिनके अंदर हमने वो जैसे कैश का लेजर अलग बनाया है या इसका लेजर अलग बनाया, एसेट और चीजों का जैसे कैपिटल का लेजर अलग बनाया हमने, तो जो भी हमने ये अलग अलग लेजर जो बनाए होते हैं, इन लेजर्स में जो हमारे हिसाब किताब होता है वो हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है, बराबर है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम इनको क्या करते हैं, इनका जो भी लास्ट का टोटल होता है उसके लास्ट का टोटल हम इसमें लाते हैं। अगर हम जैसे मैं एक आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ ट्रायल बैलेंस का, तो ये है एक ट्रायल बैलेंस। तो इसमें क्या देखो, जैसे हमने इसमें नेम ऑफ अकाउंट है एक साइड जो वो इसमें हमारे जो अकाउंट है उनके हमने नाम लिखे हैं, और दूसरी साइड जो वो हमारा सिर्फ DR अमाउंट है और एक क्रेडिट अमाउंट है। यहाँ पर जो है वो जैसे कैश अकाउंट आपका, कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है। तो यहाँ देख रहे हो आप इस साइड ये अकाउंट्स के नाम है,
नाम नारायण रमेश का, रेंट का, इन अकाउंट का जो हम क्या करते हैं कि इन अकाउंट का जो डेबिट साइड वाला टोटल होता है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जो क्रेडिट साइड का टोटल होता है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। इस तरीके से हम जो भी होगा, जैसे सेल अकाउंट है तो इसका क्रेडिट का टोटल होगा, इसका डेबिट का टोटल होगा, इसका क्रेडिट में आएगा, फिर हम इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे और ये टोटल जो होगा वो क्या आएगा, वो बराबर होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो ये टोटल बराबर होना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का मेन पर्पज क्या होता है कि हमारा जो इससे गलतियां जो होती है वो पता चलती है हमारी, कि जैसे हमने अगर कोई अर्थमेटिक मिस्टेक करी है, कोई हमने पोस्टिंग करते टाइम कोई गलती कर दी है, कि जैसे हमने डे बुक से जो डाटा था वो इसमें ले जाना था, लेजर में ले जाना था, लेकिन हमने कुछ अमाउंट गलत लिख दिया है, तो वो ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो कि वो पकड़ में आ जाती है जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रायल बैलेंस रखा है ना, ट्रायल मतलब। तो ये गलतियों को पकड़ने के लिए बनाया जाता है कि अगर हमने कहीं पर अर्थमेटिक मिस्टेक कर दी है, कहीं पर कोई एंट्री हमसे छूट गई है, जैसे हमने एक एंट्री करी कि हमने परचेज करा कुछ सामान और कैश कैश जो कैश जो लेजर है वो हमारा क्रेडिट होगा कम होगा और हमारा जो परचेज का लेजर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन हमने क्या किया कि परचेज में तो वो हमने पोस्ट कर दी लेकिन कैश में वो एंट्री हमने करी नहीं, कैश से माइनस करा नहीं, तो कैश वाले अकाउंट से वो माइनस हुआ नहीं अमाउंट। तो जब हम ट्रायल बैलेंस का टोटल निकालेंगे तो हमें वो उतने पैसों का गड़बड़ पता लग जाएगी कि भाई इतने पैसे कम हो रहे हैं, बराबर नहीं आ रहा टोटल, तो हम दोबारा से कैश वाले अकाउंट को निकालेंगे, कैश वाले रजिस्टर को, और उसमें देखेंगे कि सारी एंट्रियां हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसी जो गलतियां होती हैं, हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने से पहले, जो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें क्या होता है कि हमारी जो कुछ गलतियां होती हैं, कोई कोई स्टेटमेंट हमारी रह गई है, कोई हमने नहीं करी है रजिस्टर, या कोई करी है तो उसका अमाउंट एक आध जीरो कम ज्यादा लग गई है, तो अगर ऐसी कोई गलतियां होती है तो ट्रायल बैलेंस में हमारी पकड़ में आ जाती है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट का वो था कि हम वो बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो है वो बनाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये क्या करती है, ये हमें एक्चुअली जो भी हमारे अकाउंट होते हैं उनकी जो ट्रू पिक्चर होती है वो बताती है। इससे हमें पता चलता है, जो भी मैनेजर लोग होते हैं, जो स्टेक होल्डर होते हैं, उनको पता चलता है कि हमारी कंपनी कैसे काम कर रही है, हमारे एसेट क्या है, हमारी लायबिलिटी उधार कितने हैं, हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं हम, तो ये सारा कुछ जो होता है वो हमें इन स्टेटमेंट से पता चलता है और फिर इनको हम बाद में प्रिपेयर करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आप तो इनको नहीं करोगे, जब हम टैली सीखते हैं तो हम ये सब कुछ नहीं करते हैं, टैली ऑटोमेटिकली कर देती है, हम वहां पर सिर्फ एक कमांड प्रेस करते हैं, बैलेंस शीट की कमांड प्रेस करते हैं तो टैली ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट को बना देती है। अगर हमने खुद बनानी हो तो अकाउंट के स्टूडेंट से बात करना काफी मेहनत का काम होता है, बैलेंस शीट बनाना सबसे टफ काम होता है, जो अकाउंटिंग के जो बच्चे होते हैं प्लस वन टू वालों से अगर बात करो तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये क्रिएट करना टफ काम होता है, तो हम ये तो सीखेंगे नहीं, हमें इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, वो हमें ये काम करके दे देता है, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये पढ़ने आए तो और भी अच्छी बात है कि ये जब रिपोर्ट जनरेट होती है तो उस रिपोर्ट को हमें पढ़ना भी आना चाहिए कि क्या यहाँ पर क्या लिखा और उसका क्या मीनिंग है, तो वो अगर हमें आता तो और भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो अगर आप इससे भी ट्रांजेक्शनों के ऊपर ही अपने आप को रखना चाहते हो तो वो भी ये नहीं, मतलब उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो एक्चुअली हमने इनको टेक्निकली कैसे बनाते हैं वो नहीं सीखेंगे, हम जस्ट इनकी डेफिनेशन ही देखने वाले हैं। तो फाइनेंस स्टेटमेंट जो होती है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, जो भी हम अकाउंटिंग का काम करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, जैसे हमने एक साल में जो भी हमने लेन देन हिसाब किताब किया, जो भी हमने रिकॉर्ड किया, कि हम एक स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं जब हमारा वो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। और इसका मेन पर्पज क्या होता है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमारे जो भी हमने काम किया, जो भी हमने फाइनेंशियल लेन देन किया उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या हमारा एसेट बढ़े उसमें, कि हमारे उधार बढ़े, देनदारियां बढ़ी, वो सारा कुछ हमें उसी से पता चलता है। तो फाइनली हम एक साल में जो भी हमने गतिविधियां की, आर्थिक गतिविधियां की, उसका हमें क्या फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कि हमारा एसेट बढ़े, लायबिलिटीज बढ़ी, तो वो सारा कुछ हमें इन्हीं स्टेटमेंट को देख के पता चलता है। तो ये हमारी जो फाइनेंस स्टेटमेंट होती है ये तीन प्रकार के होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो अगर इससे पिछली वाली आपने स्लाइड देखी होगी तो इसमें देखोगा कि हमने ऐसे लिखा है ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस
और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो हमारी फाइनल स्टेटमेंट होती है जो कि बाकी स्टेटमेंटों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं कि जिसमें हम जो भी सामान का लेन देन होता है, ट्रेडिंग में आता है जो भी सामान, गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो लेन देन होता है उससे रिलेटेड जो भी हमारा बाइंग और सेलिंग होता है उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। इसमें तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के दो होते हैं, एक हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता है और एक ग्रोस लॉस होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं फिर उस सामान को बेचते हैं। हो सकता है हम जो खरीदा 10 रुपए का खरीदा 15 रुपए का बेचा, या 10 रुपए का खरीदा हमें 8 रुपए में बेचना पड़ जाए, तो इसमें हम जो अब हम प्रॉफिट या लॉस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने कोई सामान खरीदा या हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने उसका प्रोडक्ट बनाया फिर बेचा, तो हमें कितने का हमने उसको बनाने में पैसे लगे, कितने उसको बेचने में लगे, और फिर उन दोनों को माइनस करके हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है। जो भी गुड्स का लेन देन होता है, सामान का जो लेन देन होता है, उसकी वजह से जो हमें नुकसान या प्रॉफिट होता है वो यहीं पर पता चलता है। जैसे आप अगर दुकानदार हो तो आपने बोला कि ये मैं एक इतने एक बोरी चीनी की लाया था 1000 की, फिर मैंने ये चीनी बेची तो मुझे इतने पैसे आए, तो उन दोनों को माइनस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको एक बोरी के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो हमारा जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है उसका जो लेन देन होता है उसमें से वो प्रॉफिट या लॉस को निकालता है। जैसे नीचे फार्मूला दिया हुआ है, प्रॉफिट को हम ऐसे निकालते हैं जो हमारी नेट सेल होती है उससे हम जो सेल की कॉस्ट होती है उसको माइनस करके हमारा जो प्रॉफिट होता है। फिर इसको जो भी नंबर फिगर हमारे पास आता है उस फिगर को हम ले जाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, फिर हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें और चीजें भी हम लेते हैं, इसमें ट्रेडिंग वाला नहीं लेते। ट्रेडिंग में तो सिर्फ सामान का हिसाब किताब होता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं या नेट लॉस निकालते हैं। तो इसमें और जो चीजें होती हैं और जो हमारे खर्चे हैं, जैसे हमने बिजली का बिल दिया, हमने सैलरियां दी, वेजेस दिए, और जो हमारे खर्चे होते हैं उनको या और जो हमारी इनकम होती है उनको भी हम शामिल करते हैं। अगर इसका आप फार्मूला देखोगे नीचे तो इसमें ग्रोस प्रॉफिट मतलब जो हमारा सामान का लेन देन वाला ग्रोस प्रॉफिट है वो प्लस अदर इनकम, अगर हमें और कोई इनकम आई है किसी और सोर्स से आई है इनकम, वो इनकम प्लस करेंगे। फिर उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे खर्चे हैं, उन खर्चों में जो हम इंटरेस्ट देते हैं, टैक्स देते हैं, रेंट देते हैं और जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं उन खर्चों को माइनस करेंगे और जो बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो आपने बोला कि यार मैंने दुकान में 5000 का सामान डाला और 5000 के सामान में को मैंने 6000 में बेचा, 1000 पे मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट सामान का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट क्या होगा? जब आप खर्चे भी निकालोगे, आपने किराया भी दिया दुकान का, आपने बिजली का बिल भी दिया दुकान का, आपने टेलीफोन का बिल भी दिया, अगर उन खर्चों को भी माइनस करके जो पैसे बचेंगे वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है कि सामान का जो लेन देन किया प्लस बाकी के जो इनकम है प्लस बाकी के जो खर्चे है उनको भी हम माइनस करेंगे तो हमारा जो वो नेट प्रॉफिट जो वो हमको बोलते हैं कि ये हमारा नेट प्रॉफिट। के बाद हमारी आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो बिल्कुल बराबर होता है दोनों साइड। तो बैलेंस शीट जो होती है ये मेन स्टेटमेंट होती है, ये बताती है सिर्फ एसेट और लायबिलिटी को कि हमारे पास एसेट क्या है, मतलब हमारे पास कंपनी के पास अपना कितनी संपत्तियां हैं और हमारी देनदारियां कितनी है, लोगों का कितना देना है। तो इसकी दो ही साइड होती है। फिर एसेट की साइड में हम उन अकाउंट को लेते हैं, उन अकाउंट का टोटल लिखते हैं जो हम एसेट के अंदर आते हैं। लायबिलिटी में हम उन अकाउंट को लिखते हैं जो लायबिलिटी के अंदर आते हैं और उन दोनों का टोटल करते हैं। और वो टोटल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि जितने आपके एसेट हैं उतनी ही आपकी लायबिलिटी होनी चाहिए, ये कम ज्यादा नहीं होती है। बैलेंस शीट इसीलिए बोलते हैं इसको, ये बैलेंस बनाती है जो हमारी देनदारियां होती हैं, जो हमारे कर्जे होते हैं और जो हमारे एसेट होते हैं, तो ये कम ज्यादा नहीं होते हैं। और एसेट आपकी बैलेंस शीट का टोटल बराबर नहीं आता तो इसका मतलब आपका बाकी डाटा खराब है। तो बैलेंस शीट जो होती है वो जितने भी आपके अकाउंट होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में आपने जो डाटा लिया होता है उन अकाउंट को यहाँ पर लाया जाता है। तो बैलेंस शीट इज कंप्लीट, इसको हम नेट प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट में जो हम हिसाब किताब कर लेते हैं उसके बाद उसमें से भी उसको निकालते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ उसको बैलेंस शीट में हम डालते हैं। तो हम आगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट इसमें लिखे होते हैं। तो ये था आज का हमारा जो छोटी सी थ्योरी थी। मैं इसके बाद देखूंगा एक छोटी मोटी एक आध दो एक्सरसाइज जब मिलेंगी कोई आसान सी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप उनको करना प्रैक्टिस उनके ऊपर। बाकी देखते हैं आगे कल। गीता, ओ गीता, गीता का माइक भी नहीं है और वीडियो भी नहीं है।
जो जानना चाहते वो चले जाओ, हम गप्पा मारे हैं, जिनको काम है वो चले जाओ। चलो ठीक है, ओके बाय।